रोडवेज बसों के चालकों परिचालकों को अब सीतापुर बस स्टेशन पर एंट्री करनी ही होगी। दिन हो या रात, किसी भी सूरत में वो बाईपास नहीं निकल सकेंगे। उनकी मनमानी पर लगाम लगाने का खाका एआरएम सीतापुर राकेश कुमार ने खींच लिया है। लागू किए गए नियम का पालन न करने पर पहली बार तो उन्हें चेतावनी देकर छोड़ दिया जाएगा। यदि फिर भी नियमों का उल्लंघन किया तो 500 रुपये का जुर्माना भरना होगा। यदि तीसरी बार भी ऐसा किया तो जुर्माने की राशि दोगुनी यानी 1000 रुपये चुकता करनी पड़ेगी। इतना ही नहीं, कोई चालक परिचालक यदि चौथी बार ऐसी हरकत करता है तो उस पर जुर्माना लगाने के साथ विभागीय कठोर कार्रवाई की जाएगी। चालक सीधे बाईपास लेकर न जा सके, इसकी निगरानी के लिए बाकायदा स्कॉट दस्ते का भी गठन किया गया है। यह स्कॉट दस्ता बाईपास से गुजरने वाले बसों की निगरानी करेगा। एआरएम ने आई इंडिया को बताया कि अभी तक जो बसें बाईपास निकल जाती थी वो अब स्टेशन पर एंट्री कराने के बाद आगे बढ़ेंगी। इससे विभाग की आय बढ़ने के साथ यात्रियों को भी लाभ मिलेगा। बस हाईवे से निकलती थी, अब अंदर से जाएंगी, क्या इसका पूरा मामला है? क्या जो बस है बाईपास होके जो है अपने जो है प्रस्थान को जा रही थी, उसमें परिवहन निगम मुख्यालय द्वारा और ये आदेश किए गए हैं कि सभी बस अड्डों से होकर जाएंगी, जिससे कि जो है सभी बस स्टेशनों से और सभी यात्रियों को अपने गंतव्य के लिए यात्री सुविधा मिल सके। क्या दिशा निर्देश आपकी तरफ से कुछ दिए गए, कुछ विशेष? नहीं, परिवहन निगम मुख्यालय के अनुसार जो है हर हाईवे पर बाईपास पर और हमारी जो है इंटरसेप्टर गाड़ियाँ थी वो इंटरसेप्टर गाड़ियों को जो है और हमारे इंस्पेक्टर और गाड़ियाँ जो है 24 घंटे जो है बाईपास पर रहेंगे, और जो भी बस जो है अगर इस चीज़ का उल्लंघन करते पाया जाएगा तो उसको जो है पेनलाइज किया जाएगा, दंडित किया जाएगा। उसमें प्रथम बार में चेतावनी है, द्वितीय बार में अगर जो है इसको रिपीट करता तो 500 रुपये का दंड है, तीसरी बार में जो है उसको 1000 रुपये दंड दिया जाएगा, 3 से अधिक बार में और 1000 के दंड के साथ साथ उसके खिलाफ अनुशासन कार्रवाई की। नमस्कार, मैं हूं सतीश कौशिक, एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और आपका चहेता हास्य कलाकार। मेरा नाम है कैलेंडर में तो चला किचन के अंदर, और आप मुझे देख रहे हैं आई इंडिया पर। देखते रहिए आई इंडिया। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।